आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल 13 गिवन है, ठीक है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट sec के 1 माइनस tan a ब्रैकेट में sec के प्लस tan a इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इनको क्या करना है ना, लोवेस्ट टर्म में चेंज करने का है। जैसे जो sec a है क्या होता है, इसका किसका इनवर्स होता है 1 अपॉन cos a होता है रहते ही यहाँ पर भी, और tan a की जगह sin a अपॉन cos a ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या करना है हमको, LHS हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या है sec a 1 माइनस sin a, फिर sec a प्लस tan a, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया है। तो इसको क्या आने वाला है, sec a की जगह क्या रखा 1 अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, ऐसे ही रहने दिया इसको, sin a cos a कहीं हो वहां छेड़ना नहीं है। फिर sec a की जगह 1 अपॉन cos a प्लस tan a की जगह क्या रखना है sin a अपॉन cos a, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस sin a, ठीक है, अपॉन cos a इनटू, यहां पर भी क्या किया आपने cos a LCM ले लिया, न्यूमरेटर में क्या किया 1 प्लस sin a, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, तो ये हो गया sin स्क्वायर a, ठीक है, न्यूमरेटर में a आया, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस b a प्लस बी, क्या लगाया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर न्यूमरेटर तो डिनोमेटर में क्या जाएगा cos स्क्वायर a, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, 1 आ गया ना, प्रूव हो गया, LHS RHS इक्वल आ गए, प्रूव हो गया, क्योंकि ये प्रूव करना था भाई इक्वल टू 1। कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगाई थी, आइडेंटिटी होती है हमारे पास सबसे फास्ट जो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाया यानी कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर को आरएचएस भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, क्या प्रूव करना है इसमें, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ठीक है, इस तरह से करके प्रूव करना है हमको। तो क्या करें इसमें, LHS ले लिया है यहाँ पर भी, क्या है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, ठीक है, छोटा सा ट्रिक लगना है, उस स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये। cot a क्या होता है, cot a होता है ये tan का इनवर्स होता है, tan होता है sin अपॉन cos, ये होगा cos अपॉन sin, cos a अपॉन sin a माइनस cos a, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा cos a अपॉन sin a, इस cot की जगह भी वैल्यू पुट अप कर दी प्लस cos a, अब cos a कॉमन ले लो क्या आ जाएगा यहां से, एलसीएम नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे एलसीएम लेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। एलसीएम लेने के कॉमन ले लिया हमने, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आया cos a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर से भी cos a कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 अपॉन sin a प्लस 1, ठीक है, ये cos से cos कटअप हो गया, राइट। अब 1 अपॉन sin a क्या होता है cosec a होता है, क्या जाएगा cosec a, किसकी जगह रखा हमने 1 अपॉन sin a की जगह पर रखा माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ पर, RHS आ गया, देखिए क्या आ गया LHS, ऐसे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इस तरह से प्रूव हो जाता है। जो फॉर्मूला लगाया है क्या लिखा है 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू cosec a, ये फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लिख दीजिए
ठीक है, इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 15 है, प्रूव दैट sec थीटा माइनस सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है ऐसे, एक तो एक्सरसाइज में भी वन है, अभी जो एक्सरसाइज आएगी, और एक ये है जो बोर्ड में ज्यादा चांस रहते हैं, दोनों में से एक के आने के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इसको। ठीक है, इसमें एक ट्रिक यूज होना है, वो ट्रिक को ध्यान रखने का है। तो इसको भी हम LHS से शुरू करेंगे। क्या है हम LHS जो है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर क्या करना है, सेक थीटा करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम सेक थीटा, कि इसको या तो हमें पूरी मिशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है या कॉस से डिवाइड करना है। अगर हम इसको साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन साइन वन आएगा, कॉस अपॉन साइन क्या आएगा, कॉट आएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, टेन चाहिए। कॉस से डिवाइड करेंगे, इसे इक्वेशन वन लिख लें और क्या डिवाइड इक्वेशन वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किसे डिवाइड करने को बताया मैंने, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन पूरी की अपॉन में ले देगी माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन किसे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से, बिल्कुल ऐसे डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअल के नीचे अलग अलग लिख दें, क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर में भी आने वाला है। तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, सेम ऐसे ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये इस तरह से टर्म आ गई है हमारी। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कटअप हो जाएंगे, क्या जाएगा इस जगह पर, 1 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक प्लस सेक थीटा अपॉन ऐसे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कटअप हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से करके इक्वेशन आ गई। हमारा जो फॉर्म है साइन कॉस से किसमें चेंज हो गया, टेन सेक में, यहाँ टेन सेक ही है ना, टेन थीटा सेक थीटा। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपको ये माइनस 1 है ना न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला लास्ट में ले जाइए, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करने का है हमको, ये जो माइनस 1 है ये टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, ये जरूर ध्यान रखने का है, टर्निंग पॉइंट, ये जो माइनस 1 है इस 1 की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, टेन और सेक के बेस पर ही रखनी है वैल्यू। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वो इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट में क्या रहता है, 1 sec और tan के फॉर्म में ये रहता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी आप देखें, आइडेंटिटी थी हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइड चेंज कर ली खाली, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसी जगह रखा है, 1 की जगह पर रखा है हमने। ठीक है, वो भी न्यूमरेटर, केवल एक ही 1 की जगह रख रहा है न्यूमरेटर, अगर आपने नीचे वाला वन भी चेंज कर दिया फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, केवल एक ही वन को चेंज करना है, डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है लास्ट तक, डिनोमिनेटर ऐसा रखने का है जो है, क्या है, टेन थीटा
माइनस sec थीटा प्लस वन, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको छेड़ना ही नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में तो ऐसे ही रहने दे, क्या ही tan थीटा प्लस sec थीटा को ऐसे ही रहने दिया, माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है दोनों, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, क्या देगा sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरा sec थीटा माइनस tan थीटा, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में आ गया, और पूरे के अकाउंट में तो ऐसा जो है वो लिख देने का है, क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, ठीक है। ये अब देखिए उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँ भी है और tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँ भी है, ठीक है, ओके। तो ये कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया क्या sec थीटा, उसी ऑर्डर में लेंगे कॉमन, उस ऑर्डर में है sec थीटा माइनस है ना, तो पहले sec है तो sec पहले लिख लेते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाएगा। तो क्या कॉमन ले लिया हमने, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया इस पूरे में से, क्या बचने वाला है, इस tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह क्या बच रहा, इसकी जगह बचा वन, ठीक है, ये तो वन रह गया, फिर माइनस आगे क्योंकि प्लस वाला पार्ट तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल माइनस वाला पार्ट बच गया, क्या sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये बच गया है खाली हमारे पास में, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने बताया सेम लिख दीजिए, क्या tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, ठीक है, ओके। तो इस तरह से करके पार्ट आ गया, बस अब एक स्टेप और है और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या आने वाला है, देखिए यहां से ये sec थीटा प्लस tan थीटा तो ऐसा से रहा, और ब्रैकेट खोलेंगे ये तो क्या आ जाएगा, वन माइनस sec थीटा, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, ठीक है। आप इसको और इसको चेक करें, राइट तो इनके साइन देखें तो क्या है, वन प्लस का है, sec थीटा माइनस में है, tan थीटा प्लस में है, ये इक्वल है, रीअरेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है ना, तो दोबारा से लाइन में रीअरेंज करके लिख लें, ये पार्ट कटअप हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचा है sec थीटा प्लस tan थीटा, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ना वो इतना ही दिया हुआ है, इतना सॉल्व करना है इसको खाली, लेकिन यहां में और यहां में डिफरेंस देखिए प्रूव करने में, तो यहाँ वन अपॉन में है, तो ये केस आए तो क्या कर देना है, जो जैसे हम रेशनलाइजिंग करते हैं ना डिनोमिनेटर का, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने का है, तो क्या आ जाएगा ये sec थीटा प्लस tan थीटा, मल्टीप्लाई किससे किया sec थीटा माइनस tan थीटा से, अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या करने वाला, अच्छा प्लस साइन था ना, तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तभी तो इक्वल रहेगा, ये भी माइनस रहेगा साइन, ये भी माइनस रहेगा, ठीक है, इसको कटअप कर देंगे तो ये वन रहेगा, ये ऐसा चल जाएगा, लीजिए क्या आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जोड़ कितना होता है, वन होता है, वन रख दीजिए, न्यूमेरेटर में वन आ गया, अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आ गया है LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप करें, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के, और एक्सरसाइज में जो ऐसा क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।